मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुबह में इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह के समय ना सब लोग खुश रहते हैं, सबका माइंड बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहता है। क्योंकि सुबह के टाइम ना एक अजीब सी स्फूर्ति, एक अजीब सी चेतना, कुछ भी कह सकते हो, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ होती है, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है और वैज्ञानिक लोग भी इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि हाँ, सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। पुतलू उठो, उठ जो छुगू, उठ जो छुगू, उठ जाओ छुगू, उठो भाई। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी आपके बिना, तो घर तो बिल्कुल सूना सूना है, सूना सूना है। उठ जानी, तुम्हारी फोटो ले लेंगे सीधी सीधी। सुबह सुबह विराटू को जगाने में मज़ा बहुत आता है। पहली बात तो ये अपने आप से उठ जाता है, लेकिन कभी कभार होता है कि मुझे जगाना पड़ता है, तो सुबह बच्चों को जगाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है और सोते हुए बच्चे अच्छे भी बहुत लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। और मैं इन दोनों लोगों के लिए बना रही हूँ सब्जी पराठा। तो एक बैगन रखा था, बाकी कोई सब्जी आज रखी नहीं है, तो इसी में टमाटर डाल के बना लिया सिंपल सी सब्जी और बनाएंगे पराठा इसके साथ। तो सुबह का ये नाश्ता सबसे दमदार रहता है, खा लो चार पराठे और सब्जी तो दोपहर तक भूख नहीं लगती है। और इन दोनों को देखो, यहाँ पर लक्ष्मी और लक्ष्मी की मम्मी के साथ मस्ती कर रहे हैं। इन दोनों का ज़्यादा टाइम यहीं गुजरता है, तो सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहले लक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं। बोल रहे थे इसकी फ़ोटो निकालो मम्मी लक्ष्मी की। और सब्जी बन चुकी है और पराठा भी बना लें, फिर बाकी के काम मैं करूँगी, क्योंकि सुबह ना सबके यहाँ बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अगर हाउसवाइफ की बात की जाए ना, तो उसे तो सांस लेने की सुबह फुर्सत नहीं रहती है। सुबह का झाड़ू पोछा खाना नाश्ता बर्तन कुछ भी मत पूछो। और फिर उसमें अगर हमारे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनके तो लटके झटके सुबह रहते हैं इतने ज़्यादा कि उनको सब जगह भी सामान चाहिए। यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ छत पर, इसलिए क्योंकि मुझे गेहूँ यहाँ पर डालना है, घर का आटा ख़त्म हो चुका है। तो पिसवाने के पहले एक बार धूप ज़रूर दिखा देती हूँ गेहूँ में, क्योंकि बारिश के सीज़न में कहीं ना कहीं गेहूँ मॉइस्चराइज हो जाता है, तो फिर अगर उसकी रोटी बनाओ ना, तो रोटी बिल्कुल काली काली जैसी आती है। और इस समय धूप ज़्यादा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो, लेकिन इतनी ज़्यादा तपन है, उमस है कि लग रहा है बारिश होगी, पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। मुझे 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई। और जिस दिन से आई हूँ मायके से ना, उस दिन से गर्मी ये बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, वो तड़पाने वाली गर्मी वही पड़ रही है। और इन गर्मियों में ना, जिस दिन हम लोग बाल धुलते हैं ना, उस दिन लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज सुबह से ही हम बाल धुले हैं और बाल खोले ही नहीं हैं, क्योंकि बारिश में ना बाल टूटते बहुत हैं, तो खाना वाना में गिरने का डर रहता है। तो मैं सुबह में ही जैसे बाल धुलती हूँ वैसे ही क्लचर लगा लेती हूँ, फिर खाना पीना बन जाता है। जब सब काम से फ्री हो जाती हूँ तब पहले पंखा लगाती हूँ, उसके बाद बाल खोलती हूँ। तो अभी हाथ मुँह धुल लें, साफ़ सुथरे हो जाएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लगाएंगे पंखा और बाल खोलेंगे, थोड़ा पहले इनको सुखवाएंगे, क्योंकि ये पूरे गीले बने हैं, जैसे कि तैसे सुबह से बांधे हैं तो वैसे गीले हैं, पानी की वजह से दूसरा पसीना आ रहा है। बार बार पूछ रहे हैं, मम्मा आप इतना मेकअप सेकअप करके कहीं जाओगी क्या? इनको बेचारों को डर है कि कहीं हम चले गए ये बेचारे घर में ही रह जाएंगे। ऐसा होता है ना कि कहीं जाना आना रहता है ना, तो बच्चों को तैयार करना ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो छोटा मोटा काम रहता है तो ये लोग घर पे ही रहते लेके नहीं जाते। तो लेकिन जब भी मैं कहीं ऐसे तैयार हो जाती हूँ, घर में भी रह के तैयार हो जाती ना, तो इनको यही टेंशन हो जाती है बस मम्मा कहीं जा रही हैं जा रही हैं। इनको फिर कोई रिश्वत देनी पड़ती कि हमारे लिए क्रैक्स लाएंगे टॉफ़ी लाएंगे, ऐसे ही बच्चे मांग जाते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ की मांग नहीं करते हैं। अगर हम लोगों को कोई फुसलाए ना, तो हम लोग बहुत बड़ी 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 चीज़ें मांगेंगे। ऐसा होता है ना कि बच्चों को फुसलाना आसान होता है और बड़ों को फुसलाना थोड़ा सा कठिन होता है। टूटी फूटी रखी है, तो
टूटी फ्रूटी भी रखी है, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते नहीं होंगे टूटी फ्रूटी मेरे यहाँ आके रखी है, विराट ने बता दिया, भेद खोल दिया। बच्चों से कोई चीज ना छुपा नहीं सकते हो, इसका क्या है अगर घर में कुछ देख लिए जान लिए ना, तो अगर सोचो कि कोई ना जान नहीं पाए, बाहर किसी को ना पता चले, कि फौरन जाके बता देंगे कि भैया मेरे यहाँ ये सामान रखा है, तुम्हें चाहिए लेना हो तो बताना। यहाँ पर विराटू की चल रही है चोरी, क्योंकि इसको पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो ये टाइम देखता रहता है कि कौन सा टाइम अच्छा है जब मुझे कोई देखने वाला ना रहे, सबका ध्यान किसी दूसरी जगह पर हो। तो दोपहर में मम्मी सोती रहती हैं, हम भी मोबाइल के काम में लगे रहते हैं, एडिटिंग वगैरह मुझे सब दोपहर में ही करना रहता है, तो ये बस सोचता है कि बस यही एक टाइम अच्छा है। तो जहाँ भी अगर इसकी जानकारी में कुछ रखा है सामान खाने पीने का, तो इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुरंत निकाल लाएगा। ये लाई गुड़ निकाल ले आए हैं, वो एक कहावत है ना, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, बस वही हाल है। विराटू के ऊपर से ध्यान जरा सा हटाओ, इनके शरारतें चालू हो जाती हैं। वैसे बहुत लोग कहते हैं ना बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे, लेकिन बच्चों की शरारतें भी एक हद तक ही सीमित रहती हैं। अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा शरारतें करें या किसी बच्चे को मारे पीटे ना, तो उसकी शरारतों को कभी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि फिर ये सोचने वाली बात हो जाती है माँ बाप के लिए। और दूसरा, इस समय क्या प्रॉब्लम हो गई है ना, माँ और बाप दोनों जब काम काजी हो जाते हैं ना, तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाला कोई रहता नहीं है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है इस टाइम की। तो चलो छोड़ते हैं इसको, दिखाते हैं आपको बना क्या रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये दीपावली की जो फुलझड़ी आती हैं उसी की बची हुई तीलियाँ हैं, तो हम लोग फुलझड़ी जला लेते हैं और तीलियों को संभाल कर रख देते हैं कि किसी न किसी काम में आ जाएगा। तो वही बात हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका भी मैं यूज आज करने वाली हूँ, आप लोग देखिए मैं क्या करती हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग पन्नी कट कर लेते हैं, तो पन्नी कैसे कट करना है वो चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नी कट करने की एक ट्रिक है समझ लीजिए, तो इसी पन्नी को काट करके मम्मी ने एक पायदान भी बनाया है इसी पन्नियों का, और बहुत ही सुंदर बनाया है, अभी मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं है, वो पड़ा है बड़े वाले बक्से में ना, तो निकालना है, इसी में थोड़ा सा रह जाता है। तो पन्नी देख लीजिए कैसे कट कर रही हूँ, इसको 3-4 फोल्ड करके आप मोड़ लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना ऊपर हल्का सा छोड़ना है, और उसके बाद आप पतली पतली। अब ये कटिंग थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, ये बाहर से मैंने कैंची रख के काटा है, उसके बाद तिरछा आप काटते चले जाइए, तो ये पन्नी बहुत अच्छे से कटती चली जाएगी, और कटने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे कि ये कैसी कटी है और कितना अच्छा निकल कर आया है, क्योंकि ये पन्नी बिल्कुल जुड़ी होती चारों तरफ से ना, और इसको हमें बिल्कुल पट्टी जैसी बनाना है। तो ये देखिए पूरी पट्टी जैसी बन के निकल गई है, ना कहीं से जोड़ने की ज़रूरत पड़ी है ना कुछ, बस एक साथ पूरी पन्नी कट गई है। और इसके बाद हम इसको इसी तीली में पूरा कवर कर देंगे राउंड राउंड करके। उसके बाद नीचे आने पर इसमें आप थोड़ी सी ऐसे गांठ लगा दें, जैसे सलाई से बिनते हैं ना स्वेटर वगैरह, तो उसमें फंदा डालते हैं बिल्कुल वैसे ही। और ऐसे करने के बाद इसको कट करके बाहर निकाल दीजिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनने के लिए। इसी तरह से हम बाकी सब पूरा तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कवर करने के बाद ऊपर से आप जो ये पारदर्शी टेप आते हैं ना, इससे आप पूरा कवर कर दीजिए, तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। वैसे मैंने तो ऐसे ही किया है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम पट्टियों पर इसे सेट करेंगे, तो ये देखिए ऐसे आपको इसको बीच में रख के मोड़ लेना है, और चाहे तो इसे आप ग्लू गन की हेल्प से चिपका भी सकते हैं, पर मेरे पास तो ग्लू गन है नहीं, तो मैं इसे धागे से टक करूँगी सुई की हेल्प से। और ये पत्ती कैसे बनती है ये मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये पत्तियाँ हैं, पत्ती बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो बनी है पत्ती ना, आप बताइएगा किसकी बनी है, गेस नहीं कर पाओगे आप। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये सब्जियों वाली ही पन्नी है, जो पन्नी अभी मैंने काटी है ना, यही पन्नी है इसमें लगी हुई, लेकिन ये लगाई किस तरह से गई है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, वैसे आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है, वीडियो देख लेते हो लेकिन ध्यान से नहीं देखते हो। जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा था जो मेरी स्लीव थी सूट की, उसे कट करने के लिए, और बाद में उसे कट भी कर लिया था, मैंने पहना भी था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर दिल से देखते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसे देख लीजिए, हम इसके अंदर सेट कर रहे थे, लेकिन इसकी जो तीलियाँ हैं ये थोड़ा सा मुझे छोटी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने जो पन्नी कटी हुई बची थी उसको अंदर डाल दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये तीलियाँ अच्छे से सेट हो जाती हैं, आप कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो आज
आज के लिए बस इतना ही है। मैं जा रही हूँ गेहूँ समेटने के लिए। और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।